हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता सिंह। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं और रुद्रांश दिल्ली जा रहे हैं। सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं। हम सब कैब से लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग चारबाग रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। ये चारबाग स्टेशन की बड़ी लाइन है और आगे छोटी लाइन है। हमारी ट्रेन छोटी लाइन से है। लखनऊ के चारबाग की ये बड़ी लाइन बहुत ही सुंदर बनी हुई है, आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। जितना सुंदर बाहर से ये रेलवे स्टेशन है, उतना ही अंदर से ही बहुत ही सुंदर है ये। बड़ी लाइन के आगे जस्ट बिल्कुल छोटी लाइन है। छोटी लाइन से ही हमारी ट्रेन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। ये चारबाग रेलवे स्टेशन की छोटी लाइन है, हमारी ट्रेन यहीं से है। मैं और रुद्रांश तेजस एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जाएंगे। तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से सुबह के 6:10 पर चलती है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने का टाइम इसका 12:25 का है। लगभग 6.5 घंटे का सफ़र है लखनऊ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक का। ये ट्रेन 3 स्टॉप पर रुकती है। पहला कानपुर, दूसरा गाज़ियाबाद, तीसरा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। हम सब ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं। हम सब ने अपनी सीट भी चेक कर ली है। मैं और रुद्रांश ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। हस्बैंड मुझे और रुद्रांश को छोड़ने आए हुए हैं और हम दोनों को छोड़कर वो चले जाएंगे। रुद्रांश और मैं ही आगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। इसके बाद हस्बैंड मुझे और रुद्रांश को छोड़ कर चले गए थे। रुद्रांश यहाँ पर अपने पापा को मिस कर रहा है, बार बार बाहर देख रहा है कि उसके पापा दिखाई दें उसको। लगभग सुबह के 6:10 पर तेजस एक्सप्रेस चल दी थी अपने सही समय पर। रुद्रांश और मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि हम लोग 4 उठे थे ये ट्रेन पकड़ने के लिए। सुबह के लगभग 6:30 के आसपास हम सबको चाय कॉफ़ी के साथ बिस्किट सर्व किया गया। इस ट्रेन में ये एक अच्छा है कि आप यदि घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हैं तो आपको ट्रेन में ब्रेकफास्ट प्लस आपको लंच भी दिया जाता है। और इसका टाइमिंग भी सही है, 6:10 से लखनऊ से चलती है और 12:25 पर हमको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा देती है। मैं और रुद्रांश पहले भी इस ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा चुके हैं। पहले जो इसकी सर्विस थी वो काफ़ी अच्छी थी। सर्विस आज भी अच्छी है लेकिन पहले ज़्यादा अच्छी थी। आप इस ट्रेन में यदि ट्रेवल कर रहे हैं तो आप बोर नहीं हो सकते। आपको न्यूज़पेपर भी दिया जाता है, प्लस आपको मॉर्निंग का टाइम है, आप बाहर की लोकेशन भी देख सकते हैं और आपको ब्रेकफास्ट से लेके आपको लंच भी सर्व किया जाता है। टाइम टू टाइम आपको चाय कॉफ़ी के लिए भी पूछा जाता है और गर्म पानी भी दिया जाता है। तो आपके आपका खाते पीते आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कब आ जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं और रुद्रांश भी खाते पीते एंजॉय करते करते नई रेलवे स्टेशन तक पहुंच ही गए थे, टाइम का पता नहीं चला। इसके बाद लगभग 9 हम सबको लंच प्रोवाइड किया गया। लंच में उपमा, बड़ा, नारियल की चटनी, ब्रेड बटर था, प्लस चाय कॉफ़ी भी सर्व की गई थी। चाय कॉफ़ी 3-4 सर्व की जाती है। हम दोनों ने अपना लंच फिनिश किया। इसके बाद रुद्रांश ने थोड़ा न्यूज़पेपर भी पढ़ा और उसके बाद थोड़ी हमने रेस्ट भी किया। इसके बाद हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गए थे। ट्रेन 12:20 पर लगभग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। इसके बाद मैं और रुद्रांश ऑटो से द्वारका आए। तो गाइस, ये था हमारा लखनऊ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक का ब्लॉग। होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।